हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोचिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIOS में कौन कौन से एडमिशन ओपन हैं और किस तरीके से आप अपना एडमिशन करा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अभी अक्टूबर वाले एडमिशन खत्म हो चुके हैं, उनकी लास्ट डेट निकल चुकी है। ठीक है, अभी जो एडमिशन ओपन है यानी कि 1 अप्रैल से जो आपके एडमिशन ओपन हुए हैं वो हुए हैं अप्रैल 2023 के लिए। इट मीन्स कि अगर आप अभी एडमिशन कराते हैं तो आपके एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में कराए जाएंगे। अब काफ़ी बच्चे ना ये सोच लेते हैं कि अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। पहला क्वेश्चन बच्चों का आएगा कि मैम लास्ट डेट बता दीजिए, तो मैं यही बता देती हूँ आपको लास्ट डेट। लास्ट डेट अभी मान के चले जाइए आप 30 अप्रैल है। ठीक है, क्योंकि क्या रहता है कि जब आपके एडमिशन ओपन होते हैं तो 1 महीने के लिए होंगे या 2 महीने के लिए, देन उसके बाद में क्या होता है डेट एक्सटेंड हो जाती है कभी कभी। लेकिन जब आप स्टार्टिंग में एडमिशन करा लेते हैं तो उसमें आपके बहुत बेनिफिट होते हैं। क्या? सबसे पहला आपका सेंटर आपको पास मिलेगा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर ये होगा कि आपकी बुक्स टाइम से पहुँच जाएंगी, आपको स्टडी करने का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम होती है, लाइक डॉक्यूमेंट में कमी होती है, कोई डॉक्यूमेंट आपको बनवाना पड़ता है या आधार कार्ड में कोई कमी रहती है, कभी कभी नेम मैच नहीं करता जिसकी वजह से एडमिशन कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना किया करें। आपको एडमिशन सबसे पहले जब ही एडमिशन ओपन होते हैं तभी आपको एडमिशन करा लेना चाहिए। अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो एडमिशन कराने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर या फिर व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या इस नंबर पर हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग रहेगी सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक, तो आप इस बीच में उनको कॉल करके सर को पूछ सकते हैं। आप तो देखिए एडमिशन कराने के लिए कोशिश करें, आप या तो अपने स्टेट में किसी से करा सकते हैं, हमारे थ्रू कराना चाहें, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं चैनल पे आपको फीडबैक की वीडियो भी मिल जाएगी जहाँ पर हर एक स्टेट से बच्चों ने एडमिशन कराया हुआ है, तो आप ट्रस्ट के लिए वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर आई डोंट थिंक कि आपको ट्रस्ट का कोई इशू रहेगा, बिकॉज आपको यहाँ पर हर तरीके से आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। बट यहाँ पर काफ़ी बच्चे गलती ये कर देते हैं कि वो स्टूडेंट NIOS की जब वेबसाइट सर्च करते हैं गूगल पे, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या किया हुआ है, फेक वेबसाइट बनाई हुई है। एंड फेक वेबसाइट ऐसी है बिल्कुल सेम जैसे कि आप NIOS की वेबसाइट पे एडमिशन कर रहे हैं। जब आप वहाँ पर डिटेल वगैरह फिल करोगे, आप मतलब आपको लगेगा कि आप NIOS का फॉर्म फिल कर रहे हो। ठीक है, और आपने क्या किया, आपने पेमेंट कर दी, तो वो पेमेंट NIOS के पास नहीं जाती, वो उन पर्सन के पास जाती है। तभी बच्चे बोलते हैं मैम हमारी तो डैशबोर्ड पे 15,000 फीस आ रही है, हमारी 25,000 फीस आ रही है, तो वो NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ से तो आप बिल्कुल बचें। जब आप किसी से कॉन्टैक्ट कर लें, जब आप बात कर लें, जब आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए कि हाँ मुझे एडमिशन कराना चाहिए, तभी आप अपनी पेमेंट करिए। इस तरीके से डायरेक्टली आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट फेक भी मिल जाएंगी। ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एडमिशन के साथ साथ पूरे साल की जानकारी बताई जाएगी, असाइनमेंट आपके बनाने में हेल्प की जाएगी, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में हेल्प की जाएगी, आपको सिलेबस सेंड किया जाएगा, एंड रिजल्ट तक कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी आती है उसका सॉल्यूशन हम आपको बताएंगे। ठीक है, आप हमारे थ्रू एडमिशन कराते हैं तो यहाँ से हम आपके एडमिशन करने के साथ साथ आपका 30 मिनट के अंदर अंदर आपका एडमिशन भी हो जाएगा। आपको एक रेफरेंस नंबर जिसको हम रजिस्ट्रेशन नंबर भी बोलते हैं वो नंबर आपको दे दिया जाएगा। उस नंबर से आप NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक भी कर सकते हैं कि आपका एडमिशन हो चुका है, साथ ही साथ आप अपने रीजनल सेंटर पे भी पता कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हो जाता है कि वो एडमिशन फॉर्म फिल कर देते हैं, वो पेमेंट स्लिप को लेके ही बच्चे खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें पेमेंट स्लिप मिल गई है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। रेफरेंस नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेन है। काफ़ी बच्चे ऐसी रजिस्ट्रेशन कर देते हैं और ऐसी मतलब बहुत सारी वेबसाइट पर, एंड वहाँ पर बच्चों को देखने को मिलता है कि उनका एडमिशन तो हुआ ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचें। अगर आप अपने स्टेट में कहीं से एडमिशन कराना चाहते हैं वो आपकी चॉइस है। अगर आप हमारे थ्रू पूरी हेल्प लेना चाहते हैं आपको असाइनमेंट बनाने में, प्रैक्टिकल फाइल बनाने में और रिजल्ट तक पूरी जानकारी के साथ, तो आप हमारे थ्रू भी एडमिशन करा सकते हैं। ठीक है, एडमिशन कराने के लिए सेम आपको नंबर पर कॉल करनी होगी, मैसेज करना होगा। टाइमिंग मेंशन की गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको नंबर के पास टाइमिंग भी मेंशन की गई है, सर का नंबर दिया गया है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने जो डाउट्स हैं वो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका जो भी डाउट है आपका एडमिशन से रिलेटेड होना चाहिए, एडमिशन सीखने के लिए नहीं, एडमिशन कराने के लिए। ठीक है, अगर आपका एडमिशन से अलग कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट में ही अपने डाउट पूछिए, क्योंकि वहाँ पर उन सर को कुछ भी नहीं पता आपके, क्योंकि आपकी जो सिर्फ उनको एडमिशन के लिए रखा गया है, उनको एडमिशन के बारे में ही जानकारी है, उनको अदर रिलेटेड टॉपिक के लिए जो हमारी टीम दूसरी बैठी हुई है वो अलग है। ठीक है, आपके जो रिप्लाई होते हैं काफ़ी हर एक पर्सन को नहीं पता होता है ना उसके बारे में इतना, तो इनके रिप्लाई मैं ही आपको कर सकती हूँ, तो इसके लिए आपको कमेंट करनी है। मैं कोशिश करूँगी हर संडे आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दूँ ताकि उसमें आपके कमेंट्स वगैरह पढ़ के मैं उनके आपको रिप्लाई कर दूँ। ठीक है, तो कोशिश करें, कमेंट करें, आपके डाउट मैं कोशिश करूँगी जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।